तो फाइनली भाई मैंने इस नॉर्मल कीबोर्ड से इस मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड के अंदर स्विच कर लिया है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो मेरे पास एक पावरफुल पीसी तो था, लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी कि मैं वहाँ पे एक नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ कर रहा था, क्योंकि जिस टाइम मैंने इस पीसी को परचेज़ किया था ना, बजट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी नॉर्मल कीबोर्ड ले लेते, और उस समय मैकेनिकल कीबोर्ड जो थे उनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वाले कीबोर्ड से बस काम निकल रहा था। बट अभी हमारे पास आ चुका है एक मस्त मैकेनिकल कीबोर्ड जो आपको देखने को मिलता है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से, ज़ेब्रोनिक्स नाइट्रो प्रो। एक फुल लेआउट कीबोर्ड है जो अभी करंटली आपको 2500 के आसपास देखने को मिलता है, और एक प्रॉपर मैकेनिकल कीबोर्ड है जिसको आप टाइपिंग के साथ साथ गेमिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो। टाइपिंग एक्सपीरियंस तो भाई इतना ज्यादा अमेजिंग है कि फुल सेटिस्फाइंग, और साथ ही साथ RGB इफेक्ट आपके कंप्यूटर डेस्क का जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो बताने को और भी काफी कुछ है, अभी फिलहाल के लिए इसके बॉक्स कंटेंट के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो ये इसका बॉक्स पैकेजिंग, जिसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा मेन डिवाइस, एक की पुलर, एक यूजर मैनुअल, टाइप ए टू टाइप सी वायर PC और लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। ये एक गोल्ड प्लेटेड ब्रेडेड वायर है जिसकी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, डिटेचेबल है, लेंथ अच्छी खासी है, 1.8 मीटर का है। यूज करना है तो कनेक्ट करो, अदरवाइज आप इसको हटा भी सकते हैं, और अपने सेटअप के हिसाब से आप इसको लेफ्ट और राइट के अंदर अरेंज भी कर सकते हैं। तो इसका जो केबल मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है। बात करूं अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, क्योंकि हार्ड प्लास्टिक का यूज किया है, पूरा स्टडी फील आपको मिलेगा। फ्लैट सरफेस के ऊपर किसके नहीं, इसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपको रबर पैडिंग भी दी गई है। एक चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि हाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे की तरफ डबल स्टैंड का ऑप्शन भी दिया है। एक तो देखो ये वाला है, और इसमें एक और छोटा स्टैंड है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जैसा चाहो वो स्टैंड यूज कर सकते हो। अब देखो ये जो नया वाला कीबोर्ड है, इसको मैं एक वीक से ज्यादा हो चुका यूज कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ये जो नॉर्मल कीबोर्ड है ये यूज कर रहा था। ज़ेब्रोनिक्स वाले जो कीज है ना, वो बिल्कुल उभर के ऊपर आ रहे हैं, सेम लाइक टाइपराइटर मशीन। ये एक फुल कीबोर्ड है, 98 कीज के साथ में आता है, जिसमें अलग से आपको 11 मल्टीमीडिया कीज भी दी गई है। कॉम्पैक्ट साइज है, बट अलग से यहाँ पर नमपैड का ऑप्शन भी मिलता है, तो ये चीज इन्होंने बहुत ही बढ़िया करी। देखो कीज की जो क्वालिटी है ना, काफी अच्छी है, सटल है, और काफी ड्यूरेबल भी है। कीज में जो गैप है उसको काफी अच्छे से मेंटेन किया है, तो यूज करते टाइम आपको कीबोर्ड काफी स्मूथ फील होगा, काफी टैक्टाइल एक्सपीरियंस आपको करने को मिलेगा, और काफी क्लिकी साउंड भी करता है, तो उसका भी आगे टेस्ट करेंगे। अभी कीबोर्ड में आपको अलग से यहाँ पर 4 LED नोटिफिकेशन भी मिलते हैं, एक तो नम लॉक के लिए है, एक कैप्स लॉक के लिए है, इसके अलावा ऑल की लॉक का ऑप्शन, और साथ ही साथ विंडोज की को लॉक करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मोस्टली फीचर तब काम आता है जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, और उस टाइम पर गलती से अगर विंडोज का बटन दब जाए तो आप गेम से पूरी तरह से बाहर आ जाते हो, और उसका हर्जन आपको काफी बड़ा भुगतना पड़ता है। तो इस चीज का भी इन्होंने इस कीबोर्ड के अंदर काफी अच्छे से ध्यान रखा है। अब ये जो कीबोर्ड है ओटेमो के रेड मैकेनिकल स्विचेस के साथ में आता है, जो आपको अमेजोन पर भी मिल जाएंगे। तो इन फ्यूचर अगर आपको स्विचेस वगैरह चेंज करने की जरूरत हो तो आप खुद से कर सकते हो। कीज को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको की पुलर यंत्र भी दिया है। अब विद की और विदाउट की दोनों की आवाज मैं आपको सुनाता हूँ। अब ये कीबोर्ड एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर आपको RGB लाइटिंग का इफेक्ट भी मिलता है, जिसका भी तो अलग से एक्साइटमेंट है। तो ये आई थिंक 6 to 7 जोन कीबोर्ड है, डिफरेंट जोन के लिए डिफरेंट कलर, जैसे ग्रीन में ग्रीन है और रेड में रेड है, मतलब इफेक्ट आप चेंज कर सकते हो, कलर अपने जगह ही रहेंगे। अब इस कीबोर्ड में 19 LED मोड है, 5 स्पीड मोड है, और 5 लेवल का जो ब्राइटनेस है वो सेट करने का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। फंक्शन प्लस होम बटन को साथ में दबाकर RGB को ऑन ऑफ कर सकते हो। फंक्शन प्लस एरो बटन से 5 मोड ब्राइटनेस और LED स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी फंक्शन प्लस इंसर्ट बटन को अगर आप दबाएंगे तो 19 LED इफेक्ट के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको इसके 19 LED मोड्स दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो LED इफेक्ट तो मुझे भाई इसका काफी कूल लगा, आपका जो कंप्यूटर डेस्क है ना उसको डेफिनेटली ये काफी कूल लुक दे देंगे। वैसे 1000 Hz का पुलिंग रेट भी आपको मिलता है, तो गेमिंग के टाइम आपको जो रेस्पॉन्स टाइम है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। बाकी टाइपिंग के अंदर मैंने इसको थोड़ा ज्यादा यूज किया, और वहां पर जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल एक नंबर एक्सपीरियंस था।
वैसे आप चाहो तो इस कीबोर्ड में अपने कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो आपको जैब्रोनिक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसमें काफ़ी सारे मैक्रोज लगा सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल कीज़ का जो कस्टमाइजेशन है उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, साथ ही साथ कीबोर्ड को रीसेट वगैरह करना है तो भी आप वहाँ से कर सकते हो। तो ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है ना, इसको डे टू डे लाइफ के अंदर मैं रेगुलरली यूज़ करने वाला हूँ, और ये जो कीबोर्ड है 2500 के प्राइस पॉइंट पर मेरी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, चेकआउट करना चाहो तो कर लेना। बाकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।